अब तक आपने देखा कैसे कल्लूरी दिनकर महाराज द्वारा दिए गए पुरस्कार को स्वीकारने से मना कर एक कुटुंब न्यायालय की स्थापना करने का सुझाव देते हैं और दरबार से जाते जाते रामा को उसके बाल्यकाल के नाम से पुकारते हैं। दूसरी ओर रामा की त्रुटि निकाल कर कल्लूरी दिनकर जनता के मन में रामा के द्वारा किए गए न्याय नीति पर संदेह पैदा करते हैं, जिस कारण महाराज अगले दिन न्यायालय में रामा और कल्लूरी दिनकर की परीक्षा लेने का निर्णय लेते हैं। अब आगे महाराज, आज विजयनगर राज्य के इतिहास का एक विशेष दिवस है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराज कृष्णदेव राय की न्याय प्रणाली पर किसी को संदेह हुआ। इसीलिए महाराज को यह विदित किया जाता है कि पंडित रामकृष्ण के दिए हुए परामर्श पर लोगों का भरोसा कम हो रहा। आज इस दरबार में कुटुंब न्यायालय की व्यवस्था की गई है। पंडित रामकृष्ण और कल्लूरी दिनकर महोदय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके ऊपर दोनों अपना अपना परामर्श देंगे और इसके पश्चात महाराज स्वयं यह निर्णय लेंगे कि किनका परामर्श न्यायपूर्ण है और अंत में जिनके अधिकतम परामर्श न्यायपूर्ण होंगे उसे विजेता घोषित कर दिया जाए। उचित है महाराज, हम पंडित रामकृष्ण और कल्लूरी दिनकर को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है मंत्रीवर। पंडित रामा कृष्णा और इनके प्रतिस्पर्धी पंडित कल्लूरी दिनकर सभा में पधार रहे हैं। जी, आज तो आप अत्यधिक प्रसन्न होंगे। भरी सभा में महाराज के सामने पंडित रामकृष्ण का सम्मान तार तार होने का स्वप्न साकार होने जा रहा है गुरुजी। महाराज, पहला प्रकरण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है मंत्रीवर। उषा रेड्डी और चिन्ना स्वामी रेड्डी दरबार में हाजिर हो। महाराज, उषा रेड्डी जी का कथन है कि इनके पति ने इन्हें धोखा देकर इनसे विवाह किया। किस प्रकार का धोखा, स्पष्ट कीजिए उषा देवी। महाराज, विवाह के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे पति गंजे हैं, उनके सर पर बाल नहीं है। विवाह में ये अपने सर पर पगड़ी धारण कर उपस्थित हुए, अर्थात किसी को ये सत्य नहीं पता कि ये गंजे है। महाराज, मुझे अपने लिए गंजा पति स्वीकार नहीं है। अरे मनी, ये समस्या तो हमारी परम पूज्य गुरु माता की भी है। वरुण माला हमें अपने स्वामी को ईश्वर मानती। अब ईश्वर के सर पे बाल हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है। कल्लूरी दिनकर जी, बताइए इस विषय में आपका क्या परामर्श है। पति ने पत्नी को धोखा देकर शादी की, सर पर पगड़ी पहनकर सत्य को छुपाया, सबको भ्रम में रखा, तथा पत्नी को अधिकार है कि वे उन्हें छोड़ दे। महाराज, कल्लूरी जी का कथन सत्य है। किसी को धोखा देना हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है। क्या गुरुजी, आप भी तो वर्षों से यही करते आ रहे हैं, उसका उसका क्या? पंडित रामकृष्ण, आप बताइए इस विषय में आपका क्या कथन है। महाराज, यदि सबके यही विचार रहे तो इस राज्य के सभी पंडित अविवाहित रह जाएंगे, कोई भी स्त्री उनसे विवाह करेगी ही नहीं। महाराज, सिर के ऊपर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सिर के भीतर क्या है ये महत्वपूर्ण है। धनी, इस परिभाषा के अनुरूप तो हमारे गुरुजी का विवाह ही नहीं होना चाहिए था, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस टकले की ना अंदर कुछ है ना बाहर कुछ है। और मनुष्य को उसके कर्मों उसके विचारों से परखना चाहिए। क्या बाह्य सौंदर्य मनुष्य के आचरण उसके स्वभाव से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? महाराज, यदि सौंदर्य ही सब कुछ है तो आप जैसे सुंदर, संस्कारी और वर्चस्व वाले व्यक्ति के अतिरिक्त
किसी भी साधारण व्यक्ति का विवाह तो संभव ही नहीं होगा। और ये कथन भी सत्य नहीं महाराज कि एक गंजे पति की पत्नी प्रसन्न नहीं रहती। मैं ये प्रमाणित कर सकता हूँ, हमारे मंत्रीवर तिमारासु और गुरुवर तथाचारी जी को ही देख ले, क्या उनकी पत्नियां उनके साथ प्रसन्न नहीं है? ये सत्य है महाराज। क्या सत्य है? हमारी पत्नियां प्रसन्न नहीं है? हमारी तो है। तो हमारी भी है महाराज, हम अपनी पत्नी के हृदय में बसते हैं। गुरुवर, पत्नी यदि पति के हृदय में बसे तो पत्नी सदैव प्रसन्न रहती है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि हम सौदा सौ बार कहेंगे कि हमारी पत्नी वरुण माला हमारे हृदय में रहती है। महाराज, पंडित रामकृष्ण सबको मुख्य चर्चा से भटका रहे। मुख्य विषय यह है कि चिन्ना स्वामी ने अपनी पत्नी को भ्रम में रखकर उसे धोखा देकर शादी की या नहीं। वो गंजे हैं, सत्य को छिपाया कि नहीं। उन्होंने सत्य क्यों नहीं कहा? जिस विवाह की नींव ही असत्य पर आधारित हो वो विवाह मान्य नहीं। महाराज, पत्नी के प्रति प्रेम और सुविचार से ही पति को परखना चाहिए, उसके बाह्य सौंदर्य से नहीं। महाराज, मेरे विचार से इसे भंग करने के स्थान पर इस विवाह को एक अवसर और देना चाहिए, ताकि पत्नी पति के वास्तविक सौंदर्य को परख सके। आप दोनों के कथन में हमें सत्यता प्रतीत होती है। आप दोनों के तर्क से हम अत्यंत प्रभावित हैं। विवाह हम सभी के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, उसे इस प्रकार से इतनी आसानी से खंडित करना अनुचित होगा। हम आप दोनों से यह आग्रह तो नहीं कर सकते हैं कि आप दोनों अपना विवाहित जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि यह आप दोनों का व्यक्तिगत प्रसंग है। हाँ, हम ये राय अवश्य दे सकते हैं कि इस विवाह को एक अवसर और दिया जाना चाहिए। आप परिवार के साथ, परिवार के वरिष्ठ जनों के साथ कुछ समय बिताइए, उसके पश्चात देखिए, हो सकता है कि आप एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे से प्रेम कर पाए। उसके पश्चात भी आपको लगे कि आपके साथ धोखा हुआ है तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा देवी। ये प्रकरण यहां समाप्त होता है। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। मंत्रीवर। महाराज, इस प्रकरण के लिए कल्लूरी दिनकर जी और पंडित रामकृष्ण दोनों को ही एक एक अंक प्रदान किया जाए। जो आप क्या महाराज। अब दूसरा प्रकरण महाराज, देवी वरुणमाला जी को प्रस्तुत किया जाए। वरुणमाला? यार कौन सी वरुणमाला है विजयनगर में? हमारी वाली तो हो नहीं सकती। देवी वरुणमाला दरबार में उपस्थित हो रही है। गुरु जी, अंततः हमारी गुरु माता को बुद्धि आ ही गई। आपने गुरु माता के साथ अवश्य कुछ ना कुछ कपट किया होगा, इसीलिए आई हैं। गुरु जी, अब तो आपका सम्मान धूमिल हो जाएगा, पगड़ी आपकी उछल जाएगी। प्रणाम स्वामी। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? चाकू है। चाकू है वो तो हम भी देख रहे हैं, पर क्या करें? आप इससे हमारा वध कर दीजिए स्वामी। हम आज इस भरे दरबार में जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसके पश्चात हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं। हम आपका वध क्यों करें? हम आपका वध क्यों करना चाहेंगे? आप हम पर दया ना करें, कर दीजिए हमारा वध। गुरु माता, शांत हो जाइए आप, और आप हमें बताइए आपको क्या कष्ट है? आप गुरुवर से इतना अनोखा आग्रह क्यों कर रही हैं? महाराज, शिव जी के पवित्र पर्व पर हम प्रभु का दूध से अभिषेक करना चाहते हैं, समस्त जन समूह के समक्ष, जिससे सभी उस महाअभिषेक को देख सके और स्वामी का आशीर्वाद ले सके। किंतु ये है कि हमें इसकी अनुमति ही नहीं दे रहे। महाराज, हम ऐसी अनुमति कैसे दे सकते?
समस्त प्रजा के समक्ष वो भी अल्प वस्त्रों में हमारा प्रदर्शन नाना अनुचित है, अनुचित है महाराज। महाराज हम अपने स्वामी से याचना करते करते क्लांत हो चुके हैं, परंतु ये है कि पसीजते ही नहीं, अब आप ही हमारी सहायता करें। अवश्य अवश्य गुरु माता। कल्लूरी दिनकर जी, गुरु माता की इस इच्छा को लेकर आप क्या परामर्श देंगे? ये कैसा परिहास हो रहा है दरबार में महाराज। अभिषेक केवल महादेव का, शिवलिंग का होता है, मनुष्य का अभिषेक अर्थात ईश्वर का परिहास यह असंभव है। पंडित रामकृष्ण, क्या आपको भी असंभव लगता है? नहीं महाराज, हम सब गुरु माता के इस मनोभाव से परिचित हैं और जानते हैं कि वो गुरुदेव को ही अपना ईश्वर मानती है। इनके शीश से लेकर इनकी चरण पादुका तक इन्हें शिवलिंग के रूप में ही देखती है और स्वयं को माँ पार्वती के रूप में। तो यदि वे अपने स्वामी का अभिषेक करना चाहती हैं, तो इसमें ईश्वर के अपमान का कैसा प्रसंग? मेरे विचार से तो इन्हें अवश्य ही अनुमति मिलनी चाहिए। महाराज हमारी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है, वो भी सबके समक्ष, वो भी सार्वजनिक रूप से, वो भी अल्प वस्त्रों में। ना 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 ना, ना। ओ दीदी बुड्ढे का चीहर, इतना भयानक दृश्य देखने के लिए प्रजा से कोई नहीं आने वाला ना। मनुष्य का अभिषेक घोर पाप है। मैं मानता हूँ मनुष्य का अभिषेक नहीं होता, तो चलिए इस समस्या का भी एक उपाय है मेरे पास। सर्वप्रथम एक उचित स्थान का चयन किया जाए, वहाँ गुरुवर को बिठाकर उनके समक्ष एक शिवलिंग की स्थापना की जाए। गुरु माता उस शिवलिंग को अपने पति परमेश्वर का प्रतिरूप मानकर उसका अभिषेक तो कर ही सकती है ना। अभिषेक के पश्चात जल के कुछ छींटे गुरुवर पर भी छिड़के जाए, इस प्रकार गुरु माता की मंशा भी पूर्ण हो जाएगी और ईश्वर के अपमान का कोई प्रसंग भी नहीं उठेगा। महाराज ये तो हो सकता। अब रही बात अभिषेक के स्थान की, तो वो तो किसी मंदिर में ही होना चाहिए। क्यों गुरु माता, कौन सा मंदिर आपके लिए उपयुक्त रहेगा? हमारे लिए तो वही स्थान मंदिर है जहाँ हमारे स्वामी निवास करते हैं, अर्थात आपका घर। जी तो महाराज तय रहा, ये अभिषेक गुरुवर के घर पर ही होगा। उचित, आपका परामर्श हमें स्वीकार है। अद्भुत अद्भुत, तो उपाय निकल गया, गुरु माता भी खुश और गुरुवर भी सहमत। मंत्रीवर, तो इस प्रकार पंडित रामकृष्ण के होते हैं 2 अंक और कल्लूरी महोदय के 1। रामकृष्ण, इस प्रकार मैं तुम्हें विजय नहीं होने दूंगा। इधर आई। जी स्वामी। ये सब दरबार में लाने की क्या आवश्यकता थी? हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमारी भावनाओं का प्रवाह तीव्र हो गया था। गुरुवर समझने का प्रयास करें, कभी कभी ऐसा होता है। तुम्हारा परिवार भी इस भांति तुम्हारे परिवार की समस्या लेकर दरबार में आएगा, तब अपना परामर्श दीजिएगा पंडित रामकृष्ण। शारदा देवी और पंडित रामकृष्ण की अम्मा दरबार में उपस्थित हो रही है। लीजिए हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। जाइए जाइए, आप भी हमारे प्रभु के दर्शन कीजिए। हे भगवान। हे बंधु। ले रामा संभाल, बड़ा परामर्शदाता बन रहा था ना, ले अब। चुप कर, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों यहाँ क्यों आई हैं? आज कुटुंब न्यायालय का औचित्य भली भांति समझ में आ गया है पंडित रामकृष्ण। प्रतीत होता है कि विजयनगर राज्य की सारी पत्नियों को आज अपने पतियों के विरुद्ध आरोप लगाने का अवसर मिल गया है इस कुटुंब न्यायालय में। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम अम्मा, आप दोनों का इस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोनों यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? घर में मेरी दुर्गति के कम अवसर मिलते हैं क्या?
महाराज हम अपनी न्याय की प्रार्थना लेकर आए हैं, न्याय कीजिए। मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा रामा, कुछ ना कुछ बवंडर अवश्य आने वाला है तेरे जीवन में, तेरी दुर्गति निश्चित है। आप बताइए आपकी दुविधा क्या है, संकट क्या है, हम उपाय बताएंगे अवश्य। अब बताइए अम्मा और हम में से आप किसकी रक्षा करेंगे? शारदा देवी, हम तो आप दोनों की रक्षा करेंगे, परंतु ये तो बता दीजिए कि रक्षा करनी किससे होगी? नहीं नहीं महाराज, हम आपसे नहीं आपके निकट खड़े इनसे पूछ रहे हैं, बताइए हम दोनों में से किसे बचाएंगे, उत्तर दीजिए। शारदा देवी, हम आपके प्रश्न को समझने में असमर्थ है, कृपया स्पष्ट कीजिए आप कहना क्या चाहती हैं। यदि हम और अम्मा दोनों पानी में डूब रहे हो तो पहले ये किसके प्राणों की रक्षा करेंगे, उत्तर दीजिए किसे बचाएंगे आप? लो बोलो, ये तो कोई समस्या ही नहीं है महाराज, अत्यंत ही व्यर्थ का प्रश्न पूछ रही है। व्यर्थ का प्रश्न? महाराज ये से व्यर्थ का प्रश्न कह रहे हैं? ये व्यर्थ का प्रश्न नहीं है, जब अपने आवास में हमने इनसे यही प्रश्न पूछा था तो इन्होंने हमसे कहा कि ये अम्मा को चुनेंगे, अर्थात ये हमें तालाब में डूबने के लिए छोड़ देंगे। महाराज ये व्यर्थ का प्रश्न नहीं है, ये एक पति का अपने पत्नी के प्रति प्रेम का प्रश्न है, एक पत्नी के प्राणों का प्रश्न है, उसके अस्तित्व का प्रश्न है। शांत गुरुवर, गुरुवर शांत हो जाइए। जी महाराज। पंडित रामकृष्णा, आप इस अत्यंत गंभीर विषय में क्या कहना चाहेंगे? शब्दों में बोलिए, शब्दों में। महाराज यदि मैं शब्दों में मैं यदि पानी में उतरूंगा तो मैं स्वयं डूब जाऊंगा और मेरे साथ अम्मा भी डूब जाएंगी। पंडित रामकृष्णा, आप कहना क्या चाहते हैं, हम ये समझने में असमर्थ हैं। महाराज ये जो शारदा महोदया यहाँ खड़ी है ना, इन्हें ही हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है और ना ही अम्मा को तैरना आता है। महाराज ये तो कोई प्रकरण ही नहीं हुआ, आप इन्हें यहाँ से प्रस्थान करने का आदेश दे दें। महाराज प्रश्न ये नहीं है कि किसे तैरना आता है किसे नहीं, प्रश्न तो ये है कि ये बचाएंगे किसे। गुरुवर, गुरुवर सब शांत हो जाइए। महाराज आपका प्रश्न अद्भुत है, अर्थात उपयुक्त है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर मिले उससे पूर्व पंडित रामकृष्ण को तैरने का अभ्यास करना होगा, उन्हें तैरना सीखना होगा, उसके पश्चात पंडित रामकृष्ण को आप दोनों को लेकर तालाब में उतरना होगा, तब जाके आपके इस उपयुक्त प्रश्न का उपयुक्त उत्तर मिल पाएगा, है कि नहीं? उचित है महाराज। पंडित रामकृष्णा। जी महाराज। जी नहीं, आप यहाँ आइए हमारे निकट। जी महाराज। जी महाराज। ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनिए। जी। भविष्य में यदि आपने तैरना सीखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा पंडित रामकृष्ण। श्वास लेना त्याग दूंगा महाराज, परंतु तैरना कभी नहीं सीखूंगा। अद्भुत अद्भुत, जाइए अब और हमारे आदेश का पालन कीजिएगा। जी महाराज, धन्यवाद। तुम दोनों घर चलो, मैं वार्तालाप करता हूँ तुम दोनों से वहां पे। महाराज इस विषय में हमारा परामर्श तो ये है कि कलुआ तू अरे ये तो वही है जो हमारे घर के पीछे रहता था, बाल्यकाल में कितना पीटा है हमने इसे, अरे पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा के लाठी से पीटा था। बेबी धोखे बचपन में जब ये बेचैन हो जाता था ना, इसकी आंखें ऐसे ही फड़फड़ाने लगती थी। शारदा। अरे अम्मा आप ही नहीं पहचान रहे, कलुआ है ये। अम्मा ने भी पहचान लिया, अरे ये स्वामीनाथ का पुत्र कलुआ है। अरे हाँ अम्मा, मैंने अब पहचाना। हाँ,
अरे तू अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अम्मा भी प्रणाम कर रही हैं। क्षमा करें महाराज, ये दोनों राज दरबार की मर्यादा से अनभिज्ञ हैं, इसलिए ऐसी भूल कर बैठे। अब आप मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब हम आगे की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। जी धन्यवाद पंडित रामकृष्ण। मंत्रीवर, मिनम्मा नायडू और उसके सब परिवार को प्रस्तुत किया जाए। महाराज, ये मिनम्मा नायडू है। इनका कथन है कि भुज्जी उनका पुत्र है। आज से 7 वर्ष पूर्व इन्होंने इसे जन्म दिया था। चूंकि वो अविवाहित थी, इसलिए भयवश उन्हें अपने पुत्र का त्याग करना पड़ा और उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ना पड़ा। मंदिर से इस गरीब दंपत्ति शशिकांत और भार्गवी ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझ के उठा लिया और इसका लालन पालन किया। चूंकि अब ये विवाहित है तो वो अपने इस पुत्र को वापस पाने के लिए इच्छुक है। इसी प्रकरण की वजह से रामू, तू इस दरबार से निष्कासित होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।